बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में एक फंक्शन के ज़रिए से हम एक प्रोग्राम सॉल्व करना चाहते हैं कि प्रोग्राम का स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र यूजिंग फंक्शंस। प्रोग्राम ने करना क्या है? व्हाट वी आर राइटिंग प्रोग्राम फॉर, to get three numbers from the user and then find the average of those three numbers entered by the user. लेकिन हमने function को use करना है, average हम find करेंगे using function। और program further जो है detail बताई जा रही है कि the program calculates the average by calling a function। program ने एक function को call करना है जो average को find करें, और उस फंक्शन ने दैट फंक्शन इन टर्न कॉल अनदर फंक्शन फॉर द समिशन ऑफ द नंबर्स। क्योंकि एवरेज को फाइंड करने के लिए या मीन के लिए हमें समिशन की जरूरत है, वी विल सम अप द नंबर्स एंड देन डिवाइड द समिशन रिजल्ट बाय देयर नंबर्स। सो अगर तीन नंबर है तो उनको ऐड करना है और उसको तीन पे डिवाइड करना है। सो यानी इसका मतलब है ये है कि मेन ने एक फंक्शन को कॉल करना है और उस फंक्शन ने फिर फर्दर जो है एक और फंक्शन को कॉल करना है। तो प्रोग्राम में हम मल्टीपल फंक्शंस यूज कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोग्राम विद द सॉल्यूशन। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम देन यूजिंग नेम स्पेस std और int main। हमने तीन नंबर्स के लिए समिशन करना है, समिशन तीन नंबर्स के लिए एवरेज फाइंड करना है, तो उन तीन नंबर्स को हम यूजर से लेंगे। सो int a b एंड c, तीन नंबर्स मैंने डिक्लेयर कर ली और इन नंबर्स के लिए यूजर से वैल्यू लेनी है। So I will display a message, enter three numbers तो ये यूजर के पास मैसेज चला जाएगा और यूजर ने नंबर्स एंटर करने हैं तो वो नंबर्स में स्टोर करूंगा, असाइन करूंगा इन थ्री वेरिएबल्स को। और अब मैं एक एवरेज के लिए एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, एवरेज। ये एवरेज का फंक्शन, और इस एवरेज फंक्शन में मैं ये तीन वेरिएबल्स पास कर दूंगा, ठीक है। बाकी एवरेज फंक्शन को के जिम्मे मैं छोड़ देता हूँ कि वो जो है इन वैल्यूज को का एवरेज फाइंड करके वो खुद डिस्प्ले कर दें। सो यहाँ पर मैं एवरेज फंक्शन को कॉल कर डिक्लेयर कर रहा हूँ, void average, और उसमें तीन जो हैं, चूंकि तीन आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं तो तीन पैरामीटर्स यहाँ पर होनी चाहिए, और आर्गुमेंट्स का डेटा टाइप इंट है तो यहाँ पर पैरामीटर का डेटा टाइप जो है वो भी इंट ही होना चाहिए। आप सेम नाम भी रख सकते हैं, डिफरेंट नाम भी रख सकते हैं। मैं जो है फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट नाम रखता हूँ, इंट एल, इंट एम और इंट एन। तो ए असाइन होगा एल को और बी असाइन होगा एम को और सी असाइन हो जाएगा एन को। और यहाँ पे क्योंकि मुझे समिशन चाहिए तो समिशन जो है उसके लिए मैं अलग से फंक्शन बनाऊंगा। सो उसका नाम है सम, और सम को मैं पास कर देता हूँ एल कामा एम कामा एन, ये मैं पास कर देता हूँ। और अभी जो है सम फंक्शन मैं बनाऊंगा, तो सम फंक्शन void sum और यहाँ पर int w और int x और int y, और यहाँ पे इसको मैं int z एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, और z इज इक्वल टू w प्लस x प्लस y, w
प्लस एक्स प्लस वाई, और ये वैल्यू चूंकि वहां पर उसको चाहिए एवरेज फंक्शन में चाहिए, तो इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि जेड यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो वाइड फिर नहीं होगा, फिर यहाँ पर इंट बन जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न हो रही है उसका डेटा टाइप इंट है, तो रिटर्न टाइप में हमारे पास इंट आ जाएगा। अब ये वैल्यू इस सम फंक्शन को मिल रही है, तो यहाँ पर इसने वैल्यू को यूटिलाइज करना है, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ एस, और एस में जो है एस को डिक्लेयर भी करना है, एस को जो है जो वैल्यू सम फंक्शन से आ रही है तो वो जो है इस ये एस को असाइन कर देगा। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल जो है मैं फ्लोट के नाम से डिक्लेयर, फ्लोट डेटा टाइप से डिक्लेयर कर देता हूँ ए वी जी के नाम से, ठीक है, और यहाँ पर ए वी जी इज इक्वल टू एस में जो वैल्यू आई है उसको 3.0 पे डिवाइड कर दें ताकि फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास वैल्यू आ जाए, और मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा द एवरेज ऑफ वेरिएबल्स जो पास हुए हैं उस वो है एल कामा एम और एंड एम एम एंड एन में वो हमारे पास है, वो एवरेज किस में है इक्वल्स टू या इज ये एवरेज ऑफ एल एम एंड एन इज वो क्या है वो ए वी जी में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये तकरीबन हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक चीज हमारे पास बाकी है, और वो क्या है कि हमने फंक्शन के प्रोटोटाइप नहीं बताया कि कौन से फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं। तो पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप है void और एवरेज, और तीन जो है उसमें पैरामीटर्स हैं int, 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 तीनों के डेटा टाइप्स int, int, int है, ठीक है, और हमारे पास सम फंक्शन जो है यूज हुआ है उनमें भी तीन पैरामीटर्स हैं इंटीजर टाइप के, तो वो भी हमने डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। सो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर, इसकी एग्जीक्यूशन में आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर मैन्युअली जो है मैं पावर पॉइंट स्लाइड्स पे जाके इसकी एग्जीक्यूशन करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोग्राम काम कैसे करता है, प्रोग्राम को लेट्स सेव कर लें और इसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। कंपाइल एंड रन इंटर थ्री नंबर्स, थ्री फोर एंड फाइव, थ्री नंबर्स इंटर कर लिए तो थ्री फोर एंड फाइव, थ्री फोर एंड फाइव का एवरेज है अब 5 4 9 और 3 12 डिवाइडेड बाई 3 is 4 एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। 3 3 + 4 is 7, 7 + 5 is 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 ये एवरेज इज 4 विच इज करेक्ट। दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दे देते हैं 20 and 10, हमारे पास ये आ जाएगा 23 + 20 is 43 + 10 is 53 डिवाइडेड बाय 3 दिस 17.6667 एग्जैक्टली, ये हमारे पास बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हमने एवरेज को फाइंड किया फंक्शन के जरिए से, एक भी नहीं मल्टीपल फंक्शंस को हमने इस प्रोग्राम में यूज किया। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी, ये स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ ताकि प्रोग्राम का साइज जो है वो बड़ा हो जाए। आई होप के अभी ठीक है, प्रोग्राम में कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अच्छा देखिए यहां से तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है,
एग्जीक्यूशन से पहले मैं दोबारा एक दफा समझा देता हूँ. हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम वाइड एवरेज इंट. दिस इज द प्रोटोटाइप फॉर दिस फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इसका जो डिक्लेरेटर है, तो डिक्लेरेटर की तरह जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन है. यहाँ पर सिर्फ हमने वेरिएबल्स के नाम नहीं लिखे, बाकी एज इट इज इंट इंट इंट. ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, डिक्लेरेशन में सेमीकोलन आएगा. ये पूरा फंक्शन, इस फंक्शन के फर्स्ट पार्ट को डिक्लेरेटर कहा जाता है और सेकंड पार्ट को जिसमें बॉडी है फंक्शन की, फंक्शन बॉडी भी कहा जाता है, फंक्शन डेफिनेशन भी कहा जाता है. यानी इस बॉडी के अंदर फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि फंक्शन काम क्या करेगा. ठीक है, और सम फंक्शन उसका रिटर्न टाइप इन, तो डिक्लेरेशन में रिटर्न टाइप इन, नेम ऑफ द फंक्शन और तीन पैरामीटर्स वो भी बताए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं. ठीक है, तो आई होप के प्रोग्राम क्लियर है और द रेस्ट इज सेम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन. प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमारे पास मेन मेथड से शुरू होगी. मेन मेथड में हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है इंट ए बी सी, तो तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे ए के नाम से और बी और सी. तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए और ये मेमोरी में बन गए. ठीक है, तो इन वेरिएबल्स के बाद डिक्लेयर करने के बाद हमारे पास इस स्टेटमेंट का नंबर एग्जीक्यूशन का हमारे पास स्क्रीन पे आ जाएगा इंटर थ्री नंबर. सो वी विल गेट दिस मैसेज ऑन द स्क्रीन इंटर थ्री नंबर्स. उसके बाद है कर्सर ब्लिंक करेगा यूजर जब नंबर्स इंटर करेगा. लेट्स सपोज फोर और फर्स्ट फोर इंटर किया तो फोर चला जाएगा ए में, और फिर लेट्स सपोज सिक्स इंटर किया तो सिक्स जो है सेकेंड वेरिएबल कौन सा है बी, तो सिक्स चला जाएगा बी में. और सी इज थर्ड वेरिएबल, सो थर्ड वेरिएबल में लेट्स सपोज यूजर इंटर कर रहा है एट, तो यहाँ पर जो है एट आ जाएगा. तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन हो गई. उसके बाद जो है एवरेज, एवरेज के बाद पैरेंथेसिस हैं, तो जो भी जिस वर्ड के बाद जो है पैरेंथेसिस आ जाए, तो पैरेंथेसिस एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर दैट इट्स नॉट अ वेरिएबल, इट्स अ फंक्शन. तो यहाँ पर जो है